नमस्कार, मैं हूं त्रिशला, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ की विधानसभा मलिहाबाद की मौजूदा विधायक और 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से दावेदारी कर रही हैं जय देवी। एक बार फिर मैदान में पूरे जोश के साथ उतर चुकी हैं। अपने क्षेत्र का विकास करना, वहां उचित संसाधनों की व्यवस्था करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इस पर हमारी प्राइम टीवी की टीम ने जय देवी से खास बातचीत की। वहीं मौके पर मौजूद केंद्रीय राज्य शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 2022 का विधानसभा चुनाव आज अवसर पर आ चुका है, जिसके चलते सभी उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। इस वक्त हमारे साथ मलिहाबाद की मौजूदा विधायक जय देवी जी हमारे साथ में है, जो 2022 की विधानसभा में फिर से एक बार मलिहाबाद के लिए दावेदारी कर रही है। उनका क्या रणनीति रहेगी, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो जय देवी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है जी। ये बताइए कि इस बार अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी ये है कि आज जो हम लोगों ने अपने मलिहाबाद विधानसभा में जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, सारी जनता का काम किया है, और जनता हम जो हमारे योगी जी मोदी जी जो योजना दी है जनता को, तो आज जनता जो फ़ायदा ले रही है, सारा ले के शौचालय लो, आवास लो, और उनका राशन मिल रहा है, और उनके जो जो हमारे ये किसान भाई हैं जो उनको 6,000 रुपया साल में मिल रहा है, और बहुत सी ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी ने योगी जी ने जो दिया है, हमारी जनता उससे बहुत खुश है कि फिर से सरकार बनेगी। और आज भी हमारे जो हमारी सरकार बनेगी उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने फिर से कुछ नया वो लाएंगे, और फिर जनता हमारी बहुत प्रधानमंत्री जी से योगी जी से सब खुश है कि ऐसी सरकार जो है पहली बार आई है। क्यों, जनता हमारी बहुत खुश है इस सरकार से कि कभी ऐसी सरकार नहीं आई है कि जो आज घर घर अनाज और घर हर घर में शौचालय, हर घर आवास मिल रहा है, फ्री कनेक्शन मिल रहा है, बहुत सी ऐसी योजना मिल रही हैं, तो हमारी सरकार खुश, जनता हमारी खुश है, इसलिए हमारी जनता फिर से हमको विधायक बनाएगी। और जो हम टिकट कह रहे थे कि अब नहीं लड़ेंगे, तो जो सरकार ने डिसीजन लिया है तो दोबारा हमको टिकट दिया है, हम फिर से तैयारी कर रहे हैं, जनता मेरी खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जय देवी जी, ये बताइए कि पिछली बार, मतलब आप मौजूदा विधायक भी हैं तो आपने कई काम ऐसे किए हैं होंगे अपने क्षेत्र में, इस बार और कौन कौन से विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतर रही हैं? जी, हमने अपने क्षेत्र में बहुत सी सड़क बनवाई, एक पुल यहाँ से लगा के माल से लगा के चंद्रिका देवी मंदिर तक, इसको भी पास करवाया, और जो अभी हमने प्लान गैस का ये भी करवा रहे हैं, ये भी लगवाएंगे, बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत बड़े बड़े हमने काम करवाया है। जय देवी जी, जिस तरीके से आप एक महिला हैं, तो महिला के चलते आपने महिलाओं के रिगार्डिंग कुछ ऐसा तय किया है, कुछ निश्चित किया है जो महिलाओं के भविष्य को उजागर करेगी? अब महिला सारी जो है हमारी आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को जो हम सम्मान दे रहे हैं तभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अभी जो ये अभी महिला समूह चला रही हैं, वो महिलाएं हमसे कभी नहीं जुड़ी थी, हम खाली महिलाओं की बैठक कर रहे हैं, नई नई महिलाएं जुड़ रही हैं जो समूह चला रही हैं। अभी सवेरे 9 बजे से हमारी 4 बैठकें लगी हैं जी। हाँ, तो महिला इसलिए हमसे खुश हैं कि बाकायदे मिलती हैं, चाहे जब चली जाओ, और सम्मान भी देती हैं और काम भी करती हैं। और इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी भी हमारे साथ पर है, उनकी क्या राय है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, सीधे उनसे बात करते हैं। तो सर, आप ये बताइए, आपका इस बार क्या नज़रिया है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, 2022 का चुनाव जनता अपने जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो हल किया है, वर्तमान में जो सुविधाएं दे रही है, वो सुविधाएं बनी रहें, उनके अस्तित्व की लड़ाई जनता खुद लड़ रही है बीजेपी के साथ, और बीजेपी को जो है वोट दिलाने के लिए लोग बड़ी तेज़ी से एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है
कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों को आवास जिनके रह गए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या लड़कियों की शादी के लिए जो पैसा मिल रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाखों लड़कियों की शादी योगी जी ने करा दी। किसान निधि सम्मान जो 6,000 रुपये साल में मिल रहा है, अभी 1 जनवरी को 2,000 की किस्तें लोगों में चली गई, वो फिर से उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, वो सारी चीज़ें बचाने के लिए जनता खुद बीजेपी के साथ खड़ी हो रही है और बीजेपी को वोट देने के लिए एक तरीके से लोगों में उत्सुकता है और उतावलापन भी है। क्योंकि पिछली जो सरकारें 2017 के पहले रहीं, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो, उन्होंने जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया। वो तो कब्रिस्तान में जो है बाउंड्री बनाते रहे और केवल 18,000 आवास 5 साल में दिए। हमारी सरकार ने 45 लाख आवास पूरे उत्तर प्रदेश में दे दिए 5 साल में। अभी 80 लाख आवास फिर से देने जा रही है और 60 लाख लोगों को नौकरी देने हमारी सरकार जा रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो है सरकार जो दे रही है, उससे आम आदमी जो है वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, जो उनके पीरियड में सुविधाएं नहीं मिली, तो सपा बसपा का जो मूलभूत वोटर है वो भी बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट देने का मन बना चुका है और बीजेपी को ही वोट देगा। जी, जिस तरीके से अन्य पार्टियां कह रही हैं कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ बात कर रही है बीजेपी, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है, इसी से पता चलता है कि जो लोग विपक्ष के लोग ये बात कर रहे हैं कि वो जमीन में नहीं है, धरातल पे नहीं है। अगर धरातल पे होते तो उनको याद होता कि जिन लोगों को आवास नहीं मिले हैं, आवास मिले हैं, तो वो लोग जो है कौन है जिनको आवास मिले हैं। जिनको आवास मिले हैं वो उनकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार। जिनको शौचालय मिले हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है, लड़कियों की शादी हो रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जब, तो सड़कें बन रही हैं, पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस के प्लांट लग गए, और कोविड में हमारी सरकार ने जो है हमारे 6-6 विधायक 3 मंत्री ख़त्म हो गए लोगों की मदद करने में। सपा बसपा कांग्रेस के लोग घर में बैठ करके ट्वीट करते रहे, अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं की, उनके कार्यकर्ताओं की मदद भी हमारी पार्टी ने किया, हमने मदद करने का काम किया। तो वो उन लोगों की जो आस्था है, जो उनका लगाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जुमलेबाजी तो विपक्ष के लोग करते चले आए हैं। अब वो धरातल पर चीज़ों को नहीं देखेंगे तो निश्चित तरीके से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनके वोटर जो है खुद बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो अभी कौशल किशोर जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी की बात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, दरअसल में जुमलेबाजी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ना कि मौजूदा सरकार। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ। संभल के असमोली विधानसभा 32 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लगातार जोर शोर से असमोली में जनसंपर्क कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा 32 के क्षेत्र के गांव में एक एक व्यक्ति से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी पर ग्रामवासियों का कहना है कि ना जाने क्यों इस बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमसे वोट मांगने के लिए कोई हमारे पास आया है। गाँव में कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में हाजी मरगूब आलम के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी संभल के दौरे पर 8 फरवरी को आने वाले हैं। वहीं दौरे पर ओवैसी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में AIMIM के प्रत्याशी मुशीर खां तरीन ने कोटला सराय तरीन में इलाके का जायजा लिया। मौके पर AIMIM के प्रत्याशी साथ ही कुछ और लोग भी मौजूद रहे। जनसभा स्थल पर जायजा लेने के बाद प्रत्याशी ने दौरे को लेकर पूरी जानकारी दी। तो महाराजगंज के फरेंदा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल का शव उसके कमरे में कुंडी के सहारे लटका मिला। वह इस मामले में परिजनों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। मैं केदार गौड़ नाम के, की उम्र लगभग 50 वर्ष है, ये हेड कांस्टेबल थे और यहाँ नियुक्त थे। आज सुबह काफी देर तक जब दरवाजा नहीं इन्होंने खोला, यहीं थाने के आवास में रहते थे, तो दरवाज़ा को पीछे से तोड़ के जब जाया गया तो ये हैंग किए हुए हैं रस्सी से, और इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये देवरिया के रहने वाले थे, इनके परिवार को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ रहे हैं और बाकी कारणों की जांच की जा रही है। बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने
दस्तक दरवाजे तक अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में कम मतदान वाले बूथों पर अभियान चलाया गया था। वहीं जिलाधिकारी विधानसभा चुनाव में 75 प्लस मतदान के लिए लगातार गांव गांव गली गली लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत जिले में नगर में जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारी और छात्र छात्राओं के साथ भ्रमण किया, लोगों से मतदान करने की अपील की। आज हमारा जागरूकता अभियान था और ये अभियान हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में 97 बूथ ऐसे थे जिस पर 50% से कम वोटिंग हुई है, तो इन 97 बूथों पर हम 75% से अधिक वोटिंग कराने के लिए जो आगामी विधानसभा है उसके क्रम में हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे। इसमें बांदा शहर में हमारे 33 बूथ है, उस पर हम लोग हमारे 33 अधिकारी और हमारे 8 कॉलेज के हमारे बच्चे बच्चियाँ और अध्यापकगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी तरह से हमारे जो अन्य 4 तहसीलें हैं वहाँ भी जितने 50% से कम वोटिंग बूथ वाले हैं वहाँ हमारे SDM साहब के नेतृत्व। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने सोने घर में हाथ साफ किया। कहा जा रहा है कि 3,80,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण ले चोर फरार हो गए। शादी समारोह में शामिल होने पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया। वहीं सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम सर्वेलांस और SOG टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करने हेतु घटना में जल्दी खुलासा करने का आश्वासन दिया। आज सूचना मिली हम लोग को कि थाना बिसंडा में चौकी ओरन में एक मकान है जिसमें कि आगे जुड़ी हुई उनकी एजेंसी भी है, जिसमें कि कल रात में चोरी हुई है, जिसमें कुछ कैश और ज्वेलरी जो चोर हैं वो लेकर चले गए हैं। ये परिवार शादी के लिए बाहर गया हुआ था और लगभग 4-5 घंटे के अंतराल के बाद जब ये वापस आए तो इनको पता चला कि यहाँ चोरी हो गई है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम, सर्विलांस की टीम, SOG की टीम, थाने की और सभी हम वरिष्ठ अधिकारी लोग यहाँ पर हम लोगों ने मौके का मुआयना किया। जल्दी ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। संबल में सदर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी हाजी शकील अहमद ने नुक्कड़ सभा की है। कार्यकर्ताओं के बीच व्यवस्थाओं पर बात करते हुए उनकी गाड़ियों का काफिला अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र की ओर पहुंचा। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी किया। हाजी शकील अहमद कुरैशी ने गाड़ी से उतरते से ही पहले गाँव वाले लोगों का आशीर्वाद लिया। मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल पहुंचे, जहां पर वो सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही मैनपुरी को चुना है। तो वही प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के तरफ से हमला कराने की साजिश के आरोपों के मामले में SP सतपाल अंतिल ने खुलासा किया। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने पिस्टल के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। वही कार्यकर्ताओं समेत नगर कोतवाली में पहुंचकर सपा प्रत्याशी ने मुकदमा दर्ज कराया था और कार्रवाई की मांग की थी। पूरी जांच के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि पूरा दिन भर इसके द्वारा खूब शराब पी गई थी और ये शराब के नशे में धुत था। इसका फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है कि ये पूरे के पूरे रोड पर, रोड के बीच से ही चल रहा था। एक ट्रक के सामने भी ये आया, ट्रक को इसके द्वारा रोका गया और वहाँ पर मीरा भवन तिराहे पर आके चाय के स्टॉल पर इसके द्वारा धमकी दी गई। वहाँ पर इसके द्वारा जो टी स्टॉलर है उसको परेशान किया गया। तो इस क्रम में इससे काफी डिटेल पूछताछ हुई है और भी हम CBR एनालिसिस कर रहे हैं। बाहर खड़े थे, कहे उन्होंने कहा दुकान बंद कर दो, तो हम कहे भैया क्या बात है, कहीं बहुत ज्यादा बेइज्जती है, दुकान बंद करो। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड पर पतंग कट जाने पर उसे वापस मिलने के प्रयास में मासूम नाले में गिर गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद उसे खोजा गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो पतंग लूटने का मामला था कुछ? हाँ। तो वहाँ क्या कोई पोखर वोखर है? नाला है ये, मथुरा रोड पे नाला। घटना कहाँ की है? मथुरा रोड पे है ये, सीवर पंप से आगे A to Z के सामने। A to Z के सामने थाना कौन सा लगता है? सासनी।
तो ये पुलिस इसमें रेस्क्यू टीम आई थी क्या? बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ से हेल्प मिली है। अच्छा, जब चार घंटे में जाके काम होगी। चार घंटे लगे रेस्क्यू के बाद उसको मिला? जब मिला। अच्छा, क्या नाम था जो बच्चा मृतक था? क्या उम्र होगी इसकी? 7 साल। संबल के सदर विधानसभा क्षेत्र के AIMIM के प्रत्याशी मुशीर खान तरी ने हजरत नगर गाड़ी में जाकर नुक्कड़ सभा की, कार्यकर्ताओं के बीच व्यवस्थाओं की बात की। सबके बाद उनकी गाड़ियों का काफिला अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र की ओर पहुंचा तो समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुशीर खान तरी ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले गाँव के लोगों का आशीर्वाद लिया। संबल की सियासत होगी वो विकास के नाम पे होगी। विकास को जो ये कह देते हैं कि मैंने विकास नहीं किया तो मैं दोबारा से कैसे बन गया, ये विकास न करने के बाद ये अपने आप को सोचते हैं कि हमने विकास किया। तो ऐसे घमंडी इंसान को जो बिना कुछ किए हुए और लोगों के वोट लेता चलाया, यूं कि जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नहीं होता। आज जनता को ऑप्शन मिला है, जनता ऑप्शन चाहती थी विकल्प के तौर पर। मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट जनता दे रही है, जनता का प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भारी वोटों से मुझे जनता कामयाब बनाकर भेजेगी। खबर देवरिया से है जहां महिला चिकित्सालय के परिसर में एक युवक का शव छत विछत हालत में मिला। शव मिलने पर परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही की जारी है। ये महिला जो है यहाँ खाना बनता है चिकित्सालय में, इसके बगल में जो है ये घटना है मेडिकल कॉलेज में। हम मेडिकल कॉलेज में, हम लोग सोचे कि कहीं वो भी गया होगा दावत और खाने। हम लोग चले आए रात में और सुबह में पता, जब रात में नहीं आया तो सुबह में उसके पापा आए ड्यूटी के लिए। महिला में भी ऑपरेशन थिएटर में उनका भी ड्यूटी का था, अभी रहते हैं। पता चला कई चीज बात, हम लोग गए थे तो हम लोग भागे भागे आ रहे, देखे कि डेड बॉडी देख रहे, पिल्ला जैसे हाथ। क्या नाम है उसका मृतक का? मृतक का क्या नाम है? रेहान। अच्छा, आप क्या लगते हैं? हम उसके बड़े भाई लगते हैं, बड़े अबू के लड़के। अलीगढ़ के शहर के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी सोने की ज्वेलरी में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। विभाग की तरफ से सराफा कारोबारी के फूल चौराहा स्थित प्रतिष्ठानों के साथ उनके आवास मेरिस रोड के घर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को सील किया है। इस दौरान आसपास की जगह को सीज किया गया। अलीगढ़ के सेनावृत्त CBS के घर सशस्त्र बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश सोना और नकदी सहित लाखों रुपए का माल लूट ले गए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं SP सिटी सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना में दामाद पर वारदात कराने का आरोप लगाते हुए लूट पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच बात कर रही है। 7 से 8 के बीच में हुआ था। दीदी बाहर कपड़े लेने गई थी, उनके साथ ही वो लोग आते गए थे चाकू लेके और मैं अंदर गई, बच्चा था मेरे साथ, बच्चा पकड़ा मैंने ये और उसके बाद में उन्होंने फिर हमें धीरे धीरे करके अंदर वाले कमरे में सबको इकट्ठा कर दिया था। इसके सर टीचर थे, दीदी, मैं, मम्मी और केशव बच्चा, यही लोग थे और धीरे धीरे करके सारा सामान, सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे, सारे कपड़े वपड़े सब। 6 लोग तो मैंने गिने थे, बाकी ऊपर के मुझे नहीं पता। लगभग कितने बजे की घटना है? एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पति उन पर लगातार तलाक का दबाव बना रहे थे और उसी क्रम में उनके पति ने अपने साथियों की मदद से उनके घर में आकर उनका मोबाइल और कीमती सामान ले गए हैं, जिसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस के द्वारा CCTV फुटेज इत्यादि सब चेक करवाए जा रहे हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई जा रही है।
खबर फतेहपुर से, जहां पर ससुराल पहुंचे पति, किसी बात पर पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में पति ने पत्नी के गले पे कई वार कर दिए। इससे गंभीर अवस्था में घायल पत्नी चिल्लाने लगी। पड़ोसियों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने खून से लथपथ घायल महिला को जिला अस्पताल भेजा, जहां मौजूद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस तो इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारी दीदी वहाँ बैठी थी, मारते मारते उसको वहीं से यहाँ नाली तक ले आए, फिर हमने सबको बुलाया। कौन तो मारा, कौन मारा? हमारे जीजा। क्या नाम है उनका? रंजन नाम है। अच्छा, क्या हुआ था? क्या लफड़ा हुआ था हमारी दीदी का? केस चल रहा है, केस में आज हमारे घर में कोई नहीं है, इसीलिए मौका पाके उसने मार दिया। किसको मार दिया? हमारी दीदी को। आज सायं समय करीब 7:30 बजे पूजा पुत्री राकेश वाल्मीकि, उम्र 21 वर्ष को, उसके पति रंजीत पुत्र सुरेश निवासी रारी बुजुर्ग थाना बिंदी जनपद फतेहपुर ने चाकू से गले में चोट पहुंचाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। थाना लवली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल पूजा को एम्बुलेंस से फतेहपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतका की माँ शांति देवी के प्रार्थना पत्र पर थाना लवली पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। शांति देवी ने बताया कि पूजा की 2017 में रंजीत से शादी हुई थी। दोनों के बीच संबंध ठीक न होने के कारण वह मायके में रह रही थी। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां पर ट्रैक्टर के पलटने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ट्रैक्टर के ट्रॉली में कई लोग सवार थे। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस बात दुर्घटना के दौरान चालक की मौत हो गई है, बाकी सभी लोग सुरक्षित है। ट्रैक्टर सवार सभी लोग गुप्तधाम बिहार से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ये भगवती देवी घाटी है, गुप्तधाम से दर्शन करके आ रहे थे। अगर बाद ब्रेक न लगने के कारण, ड्राइवर फुसला नहीं लगने के कारण गाड़ी आकर चट्टान पेड़ के पास टकरा गई, जिसमें मौके पर एक लोग की मौत हो गई, दो चार लोग घायल हो गए। अरे 18-20 लोग होंगे। अच्छा, दर्शन करके आ रहे थे क्या वापस? हाँ, भगवती देवी से वहाँ कुप्पू धाम से दर्शन करके आ रहे थे, जा रहे थे घर। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? बहरी। गाड़ी गुप्ता धाम से आ रही थी, धरान में ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी चढ़ गई पेड़ पर। लोग इसमें बैठे थे? मौत और दो लोग घायल। कितने लोग बैठे थे इसमें? बैठे थे लगभग 24-25 लोग। क्या करने के लिए गए थे गुप्ता धाम? गुप्ता धाम दर्शन करने के लिए। ये कौन सा स्थान है? भगवती देवी है घाटी में। तेरे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।